हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिम। तो आज हमारे पास है माओनो का DGM20 गेमिंग USB माइक्रोफोन विथ नॉइस कैंसलिंग। ये हमें माओनो की तरफ से आया हुआ है, तो हम पहले तो माओनो को थैंक यू कहेंगे हमें ये रिव्यू यूनिट भेजने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले देखे तो यहाँ पे माओनो की ब्रांडिंग है, साथ में लिखा हुआ है गेमिंग USB माइक्रोफोन विथ नॉइस कैंसलिंग। इसका मॉडल है, ये इस तरह का है। इस तरफ हम देखें बॉक्स के तो ये मॉडल नंबर है इसका GDM20, तो गेमिंग USB माइक्रोफोन विथ नॉइस कैंसलिंग। इसमें ये एक फ़ायदा रहेगा आपको, इसमें आप नॉइस कैंसलिंग डायरेक्ट ही कर पाओगे, कोई भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसमें इस तरह का सब कुछ है, नॉइस कैंसलिंग एंड म्यूट बटन, RGB स्विच, माइक्रोफोन कैप्सूल, USB-C, ये जो भी है। आगे देखते हैं माइक को खोल के और माइक को टेस्ट करेंगे हम आगे ही, चेक करेंगे। तो जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं, हम देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। और इसके साथ ही इसके पहले हम बॉक्स को ओपन करने से पहले हम देखें यहाँ पे इसमें कलर्स अवेलेबल है। इसमें आपको वाइट, पिंक और ब्लैक मिल जाएगा। हमारे पास ये ब्लैक कलर में है। बॉक्स को जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये बॉक्स ओपन करते ही हमें ये फोम के अंदर हमें पूरा माइक मिलता है, साथ में एसेसरीज। हम इसको निकाल के देखते हैं। पहले हम एसेसरीज से चेक करें तो हमें एसेसरीज में मिलता है एक USB टू टाइप सी केबल। ये केबल में भी एक खास बात है, इसको जी आप आगे USB देख रहे हो, इसको निकाल के आप Type-C to Type-C भी आप केबल यूज़ कर सकोगे। जैसे कि अगर आपके लैपटॉप में Type-C पोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट ही ये केबल को यूज़ कर सकोगे Type-C to Type-C में भी। और अगर आपके पास USB है, हमें Type-C to USB कन्वर्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही दिया हुआ है, अटैच्ड है, आप इसको कनेक्ट करके डायरेक्ट ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। आगे देखें हम, उसके साथ हमें मिलता है ये एक एक्स्ट्रा माउंट माइक की आर्म में या फिर बूम आर्म वगैरह में लगाने के लिए, ये एडिशनल दिया हुआ है, इसको रखते हैं साइड में। और हमें मिलता है इसके साथ एक यूज़र गाइड। हमें इसकी यूज़र गाइड की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले है, डायरेक्ट ही आप जब USB लगाओगे तो डायरेक्ट ही ये कनेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखें, हमारे पास है अपना माइक। ये हम अपने माइक की बात करें तो ये माइक पूरा ही प्रीबिल्ट किया हुआ है, बस आपको प्लग एंड प्ले ही करना है। इसमें हम बात करें ये नीचे से, तो ये पूरा बेस के ऊपर ही है, जो ये है इसका डेस्कटॉप स्टैंड, ये थंब स्क्रू, जिससे आप माइक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे, फिर उसको टाइट करके वो उस जगह पे सेट हो जाएगा। आगे की तरफ दिया हुआ है इसका पॉप फिल्टर, इसका इधर दिया हुआ है शॉक माउंट, शॉक माउंट के ऊपर ये पूरा लगा हुआ है। शॉक माउंट की एक खास बात है कि जब डेस्क पे ये माइक रहेगा और जब डेस्क पे कोई भी वाइब्रेट्स वगैरह आएगा तो शॉक माउंट से वो वाइब्रेट पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा और आपकी वॉइस जो है वो पूरी क्लियर आएगी। और ऊपर की तरफ देखिए, ये लाइट का बटन है, ये म्यूट और नॉइस कैंसलिंग का बटन है। यहाँ आगे की तरफ देखें, आपको ये हेडफोन जैक मिल जाएगा। जब आप इस माइक से वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होगे तो आप डायरेक्ट ही इससे आप अपनी आवाज़ को मॉनिटर कर पाओगे। और साथ में ये नीचे दिया हुआ है पूरा नॉब, जो है माइक गेन के लिए, लेफ्ट साइड में फुल, राइट साइड में लो। इसको जल्दी से हम अपने PC में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसी है, सब कैसा है। तो इसको अब कनेक्ट करके मिलते हैं। तो ये हमने हमारा माइक कनेक्ट कर लिया है। आप अभी जो आवाज़ सुन रहे हो वो हमारे माओनो के इस माइक से आ रही है। उसके पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो हमारे फाइव फाइन के इस एम्पली गेम से आ रही थी। साथ में इस माइक की बात करें तो हम इस माइक में बस ऊपर एक बटन ही था जिससे हम म्यूट और अनम्यूट कर सकते थे। इस माइक में हम देखें तो इसमें ऊपर दो बटन, एक बटन में डबल वर्क है, यानी तीन अलग अलग आपको फंक्शंस उसके ऊपर मिलेंगे। तो पहले इस तरफ देखें, ये वाला, ये बटन आप टैप करने से आपकी LED चेंज होगी। जैसे कि मैं ये टैप करूँ, फर्स्ट रेड, ऑरेंज, ग्रीन, जो भी ब्लू, पर्पल, जो भी डिफरेंट इसमें कलर होगा। और ये जो लास्ट है वो ब्रीथ इफेक्ट है, और ये डिफरेंट उसमें आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेगी, ये नीचे वाइट, ऊपर रेड। और इसके इस तरफ देखें तो इस तरफ हमें म्यूट बटन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सिंगल टैप पे ये म्यूट हो जाएगा। मैं अब जब टैप करूँगा आपको आवाज़ मेरी नहीं आएगी।
वापस प्रेस करने से ये अनम्यूट हो गया, पर जब हम इसको म्यूट और अनम्यूट के लिए टैप करते हैं तो आगे एक इंडिकेटर है, वो मैं आपको वीडियो में अलग एक वीडियो में बना के उसमें डाल दूंगा, आपको एडिट करने टाइम पे मैं वो ऐड कर दूंगा कि आपको दिखाई दे कि ये किस तरह चेंज होता है। तो जब मैं सिंगल प्रेस करता हूँ तो इसके आगे एक लाइट है जो अभी हाल में ग्रीन कलर में है, लाइक नॉर्मल। जब मैं इसको सिंगल टैप करता हूँ तो वो रेड हो जाती है, इसका मतलब कि वो अब म्यूट मोड में है। और उसको जब मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा नॉइस कैंसलिंग मोड में। जब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो आगे लाइट हो जाती है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की लाइट मीन ये आपका नॉइस कैंसलिंग में आ जाएगा। इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये आगे अभी हो गई है ब्लू, और ये अभी अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इसका नॉइस कैंसलिंग ऑन के साथ है। तो आपको शायद डिफरेंट पता चल रहा होगा आवाज़ में, कि जो पहले जो आवाज़ आ रही थी वो विदाउट नॉइस कैंसलेशन थी, जो अभी जो आवाज़ आ रही है वो विथ नॉइस कैंसलेशन है। नॉइस कैंसलेशन ऑन करने के बाद आ रही है जो अभी आवाज़ है वो। तो अभी हम इसमें आगे नॉइस कैंसलिंग ऑन करके ही अभी बात आगे करते हैं। और इसके नीचे की तरफ ये देखें, ये वाला पूरा भाग जो मैंने आगे वीडियो में दिखाया था, ये गेन नोब है। तो ये अभी मैंने फुल की तरफ रखा हुआ है, इसको मैं लो करता जा रहा हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ। ये अभी 50% पे है, और इसको जैसे जैसे मैं लो करता जा रहा था वो आवाज़ मेरी बंद हो जा रही थी। तो ये अभी हाल में फुल है, तो थोड़ा कम करते 80% रखते हैं। ये अभी हाल में 80% पे रखा हुआ है। बाकी ओवरऑल इसकी बात करें हम तो ये माइक में सब कुछ साथ आता है। माइक में आपको USB केबल मिल जाएगा, साथ में आपको डेस्कटॉप स्टैंड मिल जाएगा, ये जो डेस्कटॉप स्टैंड है वो भी उसके साथ ही आएगा, पूरा प्रीफिट ही आएगा। आपको बस बॉक्स से निकालना है, USB-C to USB और C to C केबल इसके साथ ही दिया हुआ है, बस आपके PC या कंसोल में कनेक्ट करो। और आप भी ज़रूर बताना मुझे ये माइक की आवाज़ बेटर है या उसके पहले था वो बेटर थी। और मैंने काफ़ी सारे माइक की वीडियोज़ भी बनाई हुई है, वो सारे भी अगर आपके वीडियोस देखनी है आपकी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके सब देख सकते हो, या फिर यहाँ कहीं आई बटन आ रहा होगा उसमें भी मैं वो लिंक डाल दूंगा, तो आप सब वीडियोस मेरी जाके देख सकते हो, आप सारे माइक चेक कर सकते हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सा माइक बेटर है, कौन सा आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं यूज़ करूँ। तो बस यही था इस माइक में, अगर आप लेना चाहो ये माइक, इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका प्राइस वगैरह जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था बॉक्स दिखाने टाइम पर, इसमें 3 कलर है, वाइट, पिंक और ब्लैक। मेरे पास ब्लैक कलर है, वाइट कलर में LED और ज़्यादा शायद HP है, या फिर डिपेंड आपके सेटअप पे है। अगर आपके पास वाइट सेटअप है वाइट यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ब्लैक है पूरा सेटअप इसलिए मैंने ब्लैक यूज़ किया है, या फिर आपके पास पिंक कलर है, आपको पिंक कलर पसंद है, पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो बस यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने कर दिया है ऑलरेडी सब्सक्राइब तो थैंक यू उसके लिए। एंड और एक बार हम माओनो को थैंक यू कहेंगे हमें ये रिव्यू यूनिट भेजने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।